पत्र लेखन जो कि अपना एक नया टॉपिक जुड़ा। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको प्रॉपर यही बताऊंगा कि पत्र कैसे लिखना है। देखो बहुत लोगों को क्या रहता है ना, याद रहता है पत्र, लेकिन वो लोग लिखना नहीं जानते, जिसकी वजह से जो पत्र आता है लिखने का, जैसे देखो यहां पे मैं दिखा रहा हूं, ये जो आएगा 4 नंबर का, इसमें से 4 में से उनको 2 से ज्यादा नहीं मिलेगा, चाहे जितना बढ़िया लिख देंगे। लेकिन मैं कुछ ऐसे आपको टिप्स, ऐसे कुछ तरीके बताऊंगा जिसको अगर आप अपनाते हो तो आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे, एक भी नंबर नहीं कटेगा। तो आप लोग देख लो, आपका थोड़ा रिवीजन हो जाएगा, आप समझ जाओगे किस प्रकार से लिखना है, नहीं तो पूरा याद करोगे उसका कोई मतलब नहीं लिखेगा। चलो वीडियो को तुरंत स्टार्ट करते हैं, ज्यादा समय नहीं वेस्ट करेंगे। सबसे पहले 2 हथियार, काली पेन नीली पेन, ठीक। अब क्या करना है, ये जो है ना अपनी स्केल, इससे कर देनी है लाइनिंग। ये बहुत जरूरी होता है, थोड़ा अट्रैक्टिव भी दिखता है कॉपी। तो ये देखो, इसको ऐसे कर देंगे लाइन, और एक यहाँ पे ऐसे, ठीक। इस प्रकार से आप यहाँ पे लाइन खींच दोगे। अब इतना करने के बाद, इतना करने के बाद क्या करना है, यहाँ पे देखो कौन सा है, ये देखो 30वें नंबर क्वेश्चन पे है, क्या कहा गया है, शुल्क मुक्ति हेतु अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को एक प्रार्थना पत्र लिखिए, या फिर अथवा में करके है कि बिजली समस्या के निराकरण हेतु अपने जिले के बिजली विभाग को एक शिकायती पत्र लिखें। तो इन दोनों में से कोई भी एक करना है। मैं यहाँ पर ये शुल्क मुक्ति वाला करता हूँ और आपको बताते चलूंगा पूरा स्टेप बाय स्टेप, बिल्कुल आप आराम से देखते चलना। और जो कुछ बता रहा हूँ अभी, कुछ मैं गलतियां बताऊंगा कि लिखते समय ये गलती मत कर देना, नहीं तो पूरा सही होते हुए भी आपको गलत ठहरा दिया जाएगा। तो सबसे पहले ये जैसे 30वां क्वेश्चन है, 30 नंबर पे है, तो आप लिखोगे प्रश्नोत्तर संख्या 30। कैसे लिखोगे, ये देखो यहाँ पे आओगे सबसे टॉप पे, ये रहेगी ऐसे बोर्ड परीक्षा की कॉपी, यहाँ पर आपको लिखना है प्रश्नोत्तर संख्या, ऐसे प्रश्नोत्तर संख्या 30, ठीक। इतना लिखोगे, इतना समझे प्रश्नोत्तर संख्या 30। अब इतना लिखने के बाद, अब ये सब लिखना जरूरी होता है, ऐसे लिखोगे तो एग्जामिनर की जो नजर है ना तुरंत ऐसे पड़ेगी और उसको लगेगा कि बच्चा आगे पढ़ने वाला है। और नीचे यहां पर कर दोगे एक बढ़िया सी अंडरलाइन। अब कहोगे भैया हमारी लाइन करने में ज्यादा समय जाएगा, नहीं जाएगा, आप पहले पूरा लिख डालो, बाद में जल्दी 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 5 मिनट के अंदर पूरी कॉपी में आप लाइनिंग कर सकते हो। 5 मिनट भी यार मैं ज्यादा बोल रहा हूँ, आप तो 2-3 मिनट में भी कर डालोगे, ठीक। अब शुल्क मुक्ति हेतु अपना ये जो पत्र है लिखना है, तो आप डाल दिए प्रश्नोत्तर संख्या 30। अब उसके बाद प्रश्नोत्तर संख्या 30 डालने के बाद यहां पर नीली पेन लेनी है, ये नीली पेन, और ये जो स्केल है इसको थोड़ा बगल करोगे, नीली पेन से लिखना है सेवा में, कहां पे लिखोगे, इस जगह पर, ध्यान रखना जैसे जैसे बता रहा हूं ऐसे लिखना है, यहां पर लिखना सेवा में। अब जैसे सेवा में लिखोगे एक कॉमा ऐसे लगा देना, एक कॉमा, उसके बाद बहुत सारे लोग यहां से लिखना चालू कर देते हैं जो कि एक गलत फॉर्मेट है। आपको हमेशा फिर यहां से लिखना है, क्या लिखोगे, प्रधानाचार्य महोदय, ठीक है, या फिर सिर्फ लिख दोगे प्रधानाचार्य, प्रधानाचार्य ऐसे लिख दोगे सेवा में प्रधानाचार्य। उसके बाद जो भी आपका स्कूल रहेगा, ठीक है, जो भी आपका स्कूल रहेगा यहां पर लिखना है, जैसे मैं कोई भी स्कूल मान लेता हूं, जैसे राजकीय इंटर कॉलेज, राजकीय इंटर कॉलेज, ठीक। अब इसके बाद एड्रेस जो है यहीं पे नहीं लिखना है, ये ध्यान रखना, और एक कॉमा यहां भी लगाना है, एक कॉमा यहां भी लगाना है, ये कॉमा भी जरूरी होता है। कहोगे भैया कॉमा जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है, कॉमा भी जरूरी है, सब कुछ आपके बोर्ड परीक्षा में जब करोगे तो सब कुछ इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक। इतना लिखने के बाद जो भी जिस जगह से हो, जैसे मैं हूं प्रतापगढ़ से, तो मैं यहां पर लिख दूंगा प्रतापगढ़, जो भी जिला रहेगा, अगर आपका इलाहाबाद है तो इलाहाबाद लिखो, उसके बाद अयोध्या है तो जो भी, अब चाहो तो ऐसे ब्रेकर में लिख के उत्तर प्रदेश डाल सकते हो, लेकिन उतनी जरूरत नहीं रहती, फिलहाल मैं डाल देता हूँ, चलो जब मैं कर दिया हूँ तो उत्तर प्रदेश, ठीक, ऐसे कर देना। अब इसके बाद फिर काला पेन लेना है, ये वाली काली पेन लेनी है, इससे लिखना है विषय। अब विषय कहाँ लिखोगे, बड़ी बात आती है विषय, यहीं पर ऐसे एक हेडिंग डाल देनी है विषय, ऐसे डाल दो, अच्छा अरे यार ये दूसरी पेन में ले ली, ये देखो वी, ठीक।
काली पेन से एक हेडिंग डालनी है विषय की। अब विषय लिखने के बाद कौन सा विषय है, अब ये नहीं कि हिंदी विषय लिख रहे हो तो यहाँ पे हिंदी डाल दोगे, ऐसा नहीं करना है। आपको विषय में ये लिखना है किस चीज पर आप लिख रहे हो। जैसे यहाँ पे है शुल्क मुक्ति हेतु प्रार्थना पत्र, ठीक, तो यहाँ पर लिखोगे शुल्क मुक्ति हेतु प्रार्थना पत्र, और ये अब लिखोगे नीली पेन से। एकदम एग्जैक्ट ऐसे ही लिखना है तभी आपको पूरे नंबर मिलेगा। यहाँ पे लिखो शुल्क मुक्ति हेतु प्रार्थना पत्र, ठीक, शुल्क मुक्ति हेतु प्रार्थना पत्र, इतना आपको लिखना है। अब इतना लिखने के बाद अब आपको क्या करना है यहां पर, ठीक, यहां पर लिखना है महोदय, ऐसे लिखोगे महोदय, ठीक, महोदय लिखने के बाद एक लगाओगे फिर कॉमा लगाए, उसके बाद इस कॉमा के नीचे यहां से लिखना शुरू करना है अब जो भी आपका ये पत्र है, ठीक, इतना बेहद जरूरी होता है। अब देखो पत्र भी मैं पूरा लिख कर बताऊंगा, बिंदास से बैठो, 10 मिनट 15 मिनट की वीडियो होगी, अच्छे से देखो समझो। अगर आपको 10 मिनट वीडियो देखकर अगर 4 नंबर 5 नंबर मिल रहा है तो कोई वैसे खराबी की बात नहीं है, ठीक। यहां पर लिखो कि सविनय निवेदन यह है कि मैं आपके विद्यालय का, ऐसे लिखो सविनय निवेदन यह है, पूरा मैं लिख के बताऊंगा, वीडियो को आप पूरा अच्छे से देखते रहना, समझते चलना। अगर आपको नहीं याद होगा ये पत्र तो ऐसे याद भी होता चलेगा, ठीक है, ऐसे लिखो सविनय निवेदन यह है कि मैं आपके विद्यालय का, ठीक है, मैं आपके, इसको थोड़ा इधर करते हैं, विद्यालय का कक्षा 10, चाहो तो यहां लिख दो अगर आ रहा है तो, चलो मैं लिख देता हूं, कक्षा 10 का विद्यार्थी हूं, का विद्यार्थी हूं। और ये अभी आपको नीली पेन से ही लिखना है, अभी काली से क्या लिखना है, अभी बीच में कुछ काली पेन से भी लिखना पड़ेगा वो भी मैं बताऊंगा, तो बिल्कुल चिंता करने की कोई आपको जरूरत ही नहीं है, वो भी मैं अभी आपको बता रहा हूं कि काली पेन से क्या लिखना है, ठीक है, का विद्यार्थी हूं, मेरे पिताजी, ऐसे लिखो मेरे, अब आपको थोड़ी अपनी स्थिति बतानी है ना, क्योंकि आपको शुल्क माफी चाहिए, शुल्क मुक्ति चाहिए, मतलब आपको फीस नहीं देनी, तो लिखो मेरे पिता जी अपने छोटे से व्यवसाय द्वारा बड़ी कठिनाइयों से परिवार का पालन पोषण करते हैं, परिवार का पालन पोषण करते हैं। अब फिर क्या लिखोगे, चलो अब मैं थोड़ा और बताता हूँ आपको कि आगे क्या लिखना है, थोड़ा एक सेकंड ब्राइट बढ़ा दूँ, हाँ बढ़ गई, चलो परिवार का पालन पोषण करते हैं। अब इसके बाद फिर लिखो कि घर में प्रायः आवश्यक वस्तुओं का अभाव रहता है, घर, अच्छा चलो मैं यहाँ पे लिख रहा था घर में, तो यहां से एक चीज आपको ये सीखने को मिलेगी ना, जैसे मैं लिखना चाहता कि घर में प्राय, लेकिन यहाँ पे लिखा गया घर पे प्राय, तो अब ये नहीं कि इसको काट पीट देना, कुछ नहीं, ऐसे छोड़ दो, कुछ भी अपने ये नहीं कि ऐसे काट दोगे, ऐसे काटोगे तो एग्जामिनर की नजर तुरंत पड़ेगी और 4 में से 1 नंबर तुरंत आपका गया, अब ऐसे पे उसकी नजर नहीं पड़ेगी, ठीक है, तो चलो घर में प्राय
ऐसे ही लिखा जाता है, ये नहीं कि थोड़ा सा गलत हुआ तो आप काटने लगे, प्रायः आवश्यक वस्तुओं का अभाव रहता है। आवश्यक वस्तुओं का, मैं थोड़ा जल्दी लिखता हूँ, अभाव रहता है, ठीक है, घर में प्रायः आवश्यक वस्तुओं का अभाव रहता है। और फिर लिखो, मेरे चार भाई बहन बहन विभिन्न स्कूलों में पढ़ रहे हैं, ठीक है, विभिन्न स्कूलों में पढ़ रहे हैं, ठीक, विभिन्न स्कूलों में पढ़ रहे हैं। अब इसके बाद क्या लिखना है, फिर लिखो कि उनकी पढ़ाई लिखाई का खर्चा, ऐसे कुछ लिख सकते हो, या फिर अब डायरेक्ट यहाँ चलो लिख दो, अच्छा उनकी पूरा अच्छे से लिखोगे विस्तार से तो आपको बढ़िया नंबर भी मिलेगा, बस इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक। तो देखो 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 यहाँ पे क्या लिखना है, उनकी पढ़ाई लिखाई, ठीक है, पढ़ाई लिखाई, उनकी पढ़ाई लिखाई आदि के, उनकी पढ़ाई लिखाई आदि के, अब क्या लिखना है कि उनकी जो पढ़ाई लिखाई हो रही है या फिर अन्य जो खर्चे हैं, तो ऐसे लिखो उनकी पढ़ाई लिखाई आदि के खर्चे, ऐसे लिखो खर्चे का, ठीक है, आदि के खर्चे का मानसिक बोझ, मानसिक बोझ पिताजी के सर पर सदा रहता है, पिता जी के सिर पर सदा रहता है, ठीक है, पिताजी के सिर पर सदा रहता है। फिर यहां पे लिखो, मैं अपनी कक्षा का परिश्रमी छात्र हूं, यहां पर लिखना ऐसे, मैं अपनी कक्षा का परिश्रमी, अच्छा अब देखो जैसे यहां पे परिश्रमी लिख रहा हूं तो ये हाँ सही होगा ना, परिश्रमी छात्र हूँ। अब देखो इसके बाद काली पेन से लिखने की बारी आ रही है, मैं अपनी कक्षा का परिश्रमी छात्र हूँ और कक्षा में, अब एक लाइन और बची है इधर का, बाकी अब नेक्स्ट पेज में लिखना है। अब नेक्स्ट पेज में किस तरीके से लिखना है यही बताऊंगा, ठीक है, और मैं अपनी कक्षा में सदा प्रथम स्थान, सदा प्रथम ऐसे ही लिखना है स्टूडेंट्स, ठीक है। अच्छा एक चीज मैं बता दूं, बहुत सारे जो बच्चे कहते हैं भैया कुछ ऐसा कोर्स है क्या जो कि यूट्यूब में बहुत सस्ता हो, मैं देखता हूं कि 500 के कोर्स हैं, 600 कोर्स हैं, 1000 रुपए का है, 1500 का, इतना मेरे पास है नहीं, तो मैं आप लोगों की ही डिमांड पे ला दिया हूं कोर्स। देखो बिल्कुल ही सस्ते प्राइस में, 500 की इसकी प्राइसिंग थी, लेकिन 49 रुपए में हैंड रिटन नोट्स मिलेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे, एमसीक्यू मिलेगा, 2025 के पेपर मिलेंगे, प्रीवियस ईयर का पेपर मिलेगा, ठीक है, और लाइव क्लासेस भी मिलेंगी, एग्जाम के टाइम में महामैराथन क्लासेस भी मैं चलाऊंगा। अब ये कैसे ले सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो लिंक है ही, जो कि 49 रुपए में सिर्फ मिलेगा, 77-85-05-34-85 इस पर अगर आप व्हाट्सएप मैसेज करोगे तब भी आपके पास लिंक चली जाएगी, वहां से भी डायरेक्ट ले सकते हो। चलो मैं ज्यादा प्रचार नहीं करता हूं, जिसको लेना होगा भाई ले लेगा, क्योंकि देखते हो कि कोचिंग स्कूल की फीस एक महीने की रहती है 400 रुपए 500 रुपए 600, इसमें 49 रुपए में क्या है एक साल का है, तो आप अपने हिसाब से खुद डिसाइड कर सकते हो कितना सस्ता है। अब देखो मैं अपनी कक्षा में सदा प्रथम स्थान प्राप्त करता हूं, प्राप्त करता हूं, ठीक है, प्राप्त करता हूं खेल कूद, ऐसे लिखो खेल कूद में भी मेरी
अब यहां पे पलटेंगे दूसरा पेज। देखो खेल कूद में भी मेरी अच्छी रुचि रही है, तो अब यहां पे ऑनलाइन ऐसे सेम कर देना है, ऐसे लिखो अच्छी रुचि रही है। अब इतना लिख दिया, अब इसके बाद क्या लिखोगे? फिर यहां पे लिखो अतः आपसे निवेदन है, अतः आपसे निवेदन है। अब देखो क्या निवेदन है कि मुझे विद्यालय शुल्क से पूर्ण मुक्ति प्रदान करें, ऐसे लिखो मुझे विद्यालय शुल्क से पूर्ण, मतलब जो विद्यालय का जो शुल्क लगता है, जो भी फीस लगती है, उससे मुझे पूरी तरीके से मुक्ति दे दें, पूर्ण मुक्ति प्रदान करें, मुक्ति प्रदान करें, ठीक है, विद्यालय शुल्क से पूर्ण मुक्ति प्रदान करें। और बस इतना लिख दोगे या फिर हाँ, अब इसके बाद लिख दो मेरे अभिभावक, मेरे अभिभावक क्या लिखोगे? मेरे अभिभावक सदा आपका आभारी रहेंगे, या फिर सदैव आपके आभारी रहेंगे, या फिर आपके अत्यंत आभारी रहेंगे, मेरे अभिभावक आपके के अत्यंत आभारी रहेंगे, ठीक, इस प्रकार से लिखना है। अब इसके बाद उठानी फिर काली पेन, कहोगे भैया काली पेन से लिखेंगे क्या? तो देखो अब मैं आपको बताता हूं कि काली पेन से आपको लिखना क्या है। अब काली पेन से लिखना है इस साइड में, इधर आना है, ये जो लाइन है इस लाइन में नहीं, इस वाई लाइन में एक लाइन छोड़कर आपका आज्ञाकारी शिष्य, यहां से लिखो आपका आज्ञाकारी शिष्य, ठीक, आपका आज्ञाकारी शिष्य। अब जो भी नाम रहेगा, लेकिन ये ध्यान देना कि बोर्ड परीक्षा में अगर लिख रहे हो, वैसे नॉर्मल एग्जाम में लिख रहे हो स्कूल वगैरह में, तो आपको अपना नाम लिखना है, बोर्ड परीक्षा में लिख रहे हो तो आप ऐसे डैश 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 ऐसे कर देना, ठीक, इतना कर देना। यहां पे डाल देना दिनांक इस साइड में, दिनांक, ठीक, ऐसे कर देना दिनांक, यहां पे जो भी डेट, ये देखो यही गलती होती है अपने हाथ से करने, देखो नीचे खिंचा के थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा, तो ऐसे कर देना, बस इस तरीके से लिखना है। अब नीचे चाहो आप क्लास भी लिख सकते हैं, जैसे टेंथ है तो लिख दो टेंथ, सेक्शन जो भी है जैसे ए है तो लिख दो ए, बी सी डी जो भी रहेगा इस तरीके से। तो आपने देखा कुछ इस प्रकार से अगर आप पत्र लिखोगे तो कोई भी एग्जामिनर रहेगा एक भी नंबर नहीं काटेगा, एक्स्ट्रा में आपको नंबर दे ही देगा अगर उसका मन भी नहीं होगा तो। और जैसे बीच बीच में कहीं गलत हो जाए तो उसको काट पीट नहीं करना है। और ये जो मैं अभी आपको कोर्स बताया ना, सबसे सस्ते प्राइस में, पूरे यूट्यूब पे सबसे सस्ते प्राइस में है, जिसमें मैं काफ़ी ऑफ कर दिया हूँ। 500 का कोर्स सोचो आपको 49 रुपये में दे रहा हूँ, जिसमें इतनी सारी चीज़ें हैं, वो भी 49 रुपये, जैसे वेबसाइट कॉस्टिंग हो गई, ऐप कॉस्टिंग हो गई, अलग अलग कॉस्टिंग रहती हैं, तो उन सब का है, ठीक। तो आप इसको बाय कर सकते हो इस नंबर पर मैसेज करके, बाकी इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हो अगर आपका कुछ भी डाउट है, जिसकी आईडी है piyushmaurya1000, इस पर मुझे मैसेज कर देना अगर कुछ भी दिक्कत है। ये देख लो आईडी, देख लो यही है, मैं एकदम बढ़िया से लिख के रखा हूँ, देख रहे हो ना, piyushmaurya1000 जैसे सर्च करोगे आपके सामने जस्ट आ जाएगा। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, क्लास 10th की तैयारी के लिए चैनल को जरूर से आप लोग सब्सक्राइब कर लेना।